नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा। आम चुनाव 2019 किस में कितना है दम की इस कड़ी में आज बात करते हैं देश की सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्राकृतिक तौर पर जितना खूबसूरत है उसकी राजनीति उतनी ही उलझी हुई है। इस खूबसूरत प्रदेश की जनता के मूड को समझना हिमाचल में हमेशा से ही एक मुश्किल काम रहा है। इस बात का अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि 1990 के बाद से लेकर आज तक हिमाचल में कोई भी पार्टी लगातार दो बार सरकार नहीं बना सकी है। इसके अलावा हिमाचल की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2014 के चुनावों में बीजेपी हिमाचल की सभी चार लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी और अब जबकि बीजेपी एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार के नारे के साथ लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस चुकी है, ऐसे में हिमाचल में बीजेपी और उसकी विरोधी कांग्रेस की तैयारियों को परखना लाजमी हो जाता है। दरअसल हिमाचल में चुनावी मोर्चे पर मुख्य तौर पर केवल दो ही दल हैं और सारी राजनीतिक रस्साकस्सी केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होनी है। इस बार की लड़ाई दिलचस्प होने की वजह यह भी है कि हिमाचल में दोनों ही पार्टियां कई खेमों में बटी हुई हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के लिए दोनों ही पार्टियों की अंदरूनी गुटबाजी शांत करा के या उसके बीच का कोई रास्ता निकाल के लोकसभा चुनावों में पूरी तैयारी के साथ उतरना फिलहाल किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाला है। इसीलिए हिमाचल के लोकसभा के चुनावों का यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होना तय है। अगर बात कांग्रेस की करें तो लंबे समय से वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस का चेहरा बने हुए हैं। 1983 में ठाकुर रामलाल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1985 के चुनाव में आखिरी बार कांग्रेस लगातार दूसरी बार हिमाचल में सरकार बनाने में कामयाब हुई और वीरभद्र सिंह फिर से हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर आज तक हिमाचल में कांग्रेस की सियासत वीरभद्र सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन वर्तमान में केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले 5 साल से हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाकर कुलदीप राठौर को हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। लेकिन कुलदीप राठौर के अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल कांग्रेस वीरभद्र सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और कुलदीप राठौर इन तीन गुटों में बटी हुई नजर आ रही है और इसको लेकर कुछ दिनों पहले हिमाचल कांग्रेस में काफी धमाचौकड़ी भी हो चुकी है। लेकिन इस बीच केंद्रीय नेतृत्व ने आगामी चुनावों को देखते हुए चुनावी कमेटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों की घोषणा कर दी है। वैसे तो इसमें सभी गुटों के लोगों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की गई है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इसमें कितना कामयाब रहता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मौजूदा समय फिलहाल इस पर हिमाचल कांग्रेस में राजनीति जारी है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो हिमाचल में बीजेपी की राजनीति भी शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और जेपी नड्डा के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इसमें से 1977 में जनता पार्टी की सरकार में हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार मौजूदा समय में हिमाचल के कांगड़ा से सांसद हैं और 84 साल के हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान अगले चुनाव में उनको टिकट देता है या फिर उनकी पसंद के किसी व्यक्ति को टिकट देता है, ये देखने वाली बात होगी। जबकि जेपी नड्डा हिमाचल कोटे से राज्यसभा में सांसद हैं और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वहीं प्रेम कुमार धूमल की अगर बात करते हैं तो 2017 के विधानसभा चुनावों में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में लड़े गए थे, जिसमें धूमल बीजेपी को राज्य में बहुमत दिलाने में तो कामयाब रहे थे लेकिन खुद चुनाव हार गए थे, जिसके बाद जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। लेकिन प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर हिमाचल की हमीरपुर सीट से वर्तमान में सांसद हैं और प्रेम कुमार धूमल की उम्र भी इस वक्त 74 साल है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान के सामने आगामी लोकसभा चुनावों में हिमाचल में किसे टिकट दिया जाए ये भी एक समस्या बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इस सब के बीच अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो 2014 के चुनावों में बीजेपी को 53.85% वोट मिले थे और चारों सीटें भी बीजेपी के खाते में आई थी, जबकि कांग्रेस को 41.7% वोट हासिल हुए थे, जिसके बाद 2017 के आखिर में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी
48.8% वोट शेयर के साथ राज्य की कुल 68 में से 48 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस 41.7% वोटों के साथ 21 सीट ही जीत पाई थी। अगर यहां पर 2017 के विधानसभा चुनावों की तुलना 2012 के विधानसभा चुनावों से करें तो स्थिति थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 40.5% रहा था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 40.6% रहा था। ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक हिमाचल में सॉलिड है और केवल स्विंग वोटर्स ही हार जीत में बड़ा रोल निभाता है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनावों में हिमाचल में मतदाता किसे सिर माथे पर बिठाते हैं और किसे नकारते हैं, इसके साथ ही दोनों ही पार्टियां अपनी अंदरूनी कलह से कैसे निपटती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एएनवी न्यूज़। नमस्कार।